वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर माही हेल्थ एक्सपर्ट। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी स्किन केयर, स्किन वाइटनिंग, पिगमेंटेशन, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत सारी क्रीम्स के रिव्यूज़ शेयर किए हैं, बहुत सारी क्रीम्स आपको रिकमेंड की हैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो आप लोग मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख के वीडियो का समझ ही गए होंगे कि आज की जो मेरी वीडियो है फिर से एक क्रीम को लेकर होने वाली है। एक क्रीम का रिव्यू आज होने वाला है। क्रीम का नाम है क्रिस्टल ग्लो एंटी पिगमेंट रेडियंस क्रीम। ये क्रीम काफ़ी लोगों ने इसके रिव्यू शेयर किए हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो आपके साथ आज बनाई है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम इस वीडियो के ज़रिए इसके बेनिफिट्स जानेंगे, इसे लगाने का तरीका जानेंगे और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे कौन कौन स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं। आज हम इसी का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। लाइव आपको वीडियो में क्रीम को मैं दिखाऊंगी कि ये किस टेक्सचर में आती है और किस तरह की इसकी पैकेजिंग है, आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना और ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी और मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सब रिव्यू शेयर कर रही हूँ आज क्रिस्टल ग्लो क्रीम का, जो कि काफ़ी यूज़फुल है जिनके फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है, झाइयाँ हो जाती हैं या फिर दानों के निशान रह जाते हैं या फिर बहुत सारे लोगों की स्किन अनइवन होती है, इवन टोन नहीं होती, या कई लोग स्किन वाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए ट्राई करते हैं। तो ये क्रीम आपकी इन सभी कंसर्न की, सभी प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी अच्छी है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारी सेंसिटिव स्किन है और हमें भी अपनी स्किन पे ग्लो लाना है, हमारी स्किन पे भी पिगमेंटेशन होगी, हमारी स्किन पे भी डार्क स्पॉट है, तो हम और जो मैंने क्रीम शेयर की हैं कहीं ना कहीं उन क्रीम्स के ऐसे सेंसिटिव स्किन पे रिएक्शन देखे गए तो वो लोग लगा नहीं पाते। तो ये एक ऐसी क्रीम है जो कि सभी स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं। इसमें ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किए गए हैं जिससे आपकी स्किन पे किसी भी तरह की इरिटेशन, रेडनेस या फिर पील होना, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो सब सेफ हैं, यानी कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है, क्या फीडिंग के टाइम पे हम इसे लगा सकते हैं, तो ये एक ऐसी क्रीम है जो आप प्रेगनेंसी के दौरान भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं आप तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कोई भी एज में कोई लगा सकता है, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अपनी डेली रूटीन, नाइट रूटीन में आप इसको अपना हिस्सा बना सकते हैं। और अगर आपकी स्किन पे कोई भी कंसर्न नहीं है और खाली आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा चमकदार, ग्लो और ब्राइट रहे, तो भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल डेली नाइट के रूटीन में कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जो ये इतनी इफेक्टिव है। वो है अल्फा आर्बुटन, कोकोनट ऑयल, ऑलमंड ऑयल। इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल किया गया है वो है मुलेटी एक्सट्रैक्ट। मुलेटी हमारी पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। मैंने कई होम रेमेडीज में टैन रिमूवल पैक, होममेड पैक या फिर किसी भी तरह के फेस वॉशेस, होममेड जो मैंने वीडियो शेयर की हैं, उनमें मुलेटी पाउडर का इस्तेमाल किया है। क्रीम के अंदर मुलेटी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये क्रीम पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए परफेक्ट है स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन पे कई सारे कंसर्न हैं, कई सारे इश्यूज हैं और आप परेशान हो गए पिगमेंटेशन से, झाइयों से, ब्लैमिश से, सबसे अच्छी और सबसे परफेक्ट क्रीम है क्रिस्टल ग्लो। इसमें ये जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनके कहीं भी कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखे गए, इसीलिए ये क्रीम काफ़ी वायरल है, काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने भी इसका रिव्यू इसीलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि इस क्रीम के कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखे गए। ये मेड इन टर्किश है, यानी कि तुर्की में इसको बनाया गया है। वहाँ के जो भी क्रीम्स या ब्यूटी प्रोडक्ट हैं अभी तक मैंने अपने पेशेंट पे यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखे हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, तो दिन में तो आप जो भी स्किन केयर फॉलो करते हैं वो आप करते रहिए। आप नाइट में अपना फेस क्लीन करें, फिर हल्का ड्राई करें, कोई भी आप जो टोनर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करें और आपको ये क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करनी है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि अंदर से इसकी पैकेजिंग कैसी है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। ये कुछ अब इस तरह की पैकेजिंग में आ रही है,
तो आप देख सकते हैं अब हम इसके अंदर किस तरह की टेक्सचर है इसका क्रीम का, वो चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर दिख रहा है। तो नॉर्मली जब भी आप लगाएं ये इस तरह से फेस पे आप डॉट डॉट करें और हल्के हाथ से अपने फेस पे इस तरह से जहां जहां आप अपने फेस पे लगा रहे हैं वहां आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यहां तक कि आप इसे अंडर आइज यानी कि आंखों के नीचे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी क्रीम को मना किया जाता है आंखों के नीचे लगाने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी क्रीम है जिसे आप आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं। तो आपने इसका टेक्सचर और इसको लगाने का तरीका तो जान लिया होगा और डेली आपको नाइट केयर रूटीन में इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि ये मिलेगी कहाँ। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट crystalglow.in पे जाके इसे बाय कर सकते हैं। मैं कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये क्रीम आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके बाय करें, आपको ओरिजिनल इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। कई बार क्या होता है बहुत सारी कंपनीज डुप्लीकेट क्रीम बना देती हैं सेम नाम से, तो उनके वो रिज़ल्ट नहीं आ पाते। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके आप बाय करें। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इनकी वेबसाइट का नाम, तो आप वहीं से जाके इसे बाय कीजिए। देती हूँ इस क्रीम के बारे में। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, मेलाज्मा है, ग्लो के लिए ट्राई कर रहे हैं, डल स्किन है, ब्लेमिशेस हैं, या फिर आपकी स्किन पे दाने निकले हैं और आप भी अपनी स्किन को ब्राइट करना चाहते हैं, तो ये क्रीम आपके लिए परफेक्ट है। जी हाँ, बात कर रही हूँ क्रिस्टल ग्लो की। ये क्रीम आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आई होप आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी और पता चल गया होगा कि क्रिस्टल ग्लो क्रीम सेफ है, कौन कौन लोग लगा सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो आप भी ट्राई करें, आंखें बंद करके ट्राई करें, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई इरिटेशन कुछ भी नहीं होगी। मैंने अपने हाथ पे लगाया, मुझे पता भी नहीं चला है। सच में आप इस्तेमाल करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा आपकी स्किन में, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको बाकी डिटेल्स इसकी जाननी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में डिटेल शेयर कर दूंगी।